एक इंजन था जिसका नाम था रॉकेट। उसका काम था रोज सुबह नंदन वन से सुंदर वन ट्रेन ले जाना। रास्ते में पहाड़ों और नदियों के मनमोहक दृश्य देखकर रॉकेट पर सवार बच्चे जब तालियां बजाते थे तब उसे बहुत खुशी मिलती थी। इंजन में कई पुर्जे थे जैसे चक्के, मोटर, बोगी, ट्रांसफार्मर आदि। इन सभी में बड़ा प्यार था। इन सबके आपसी मेलजोल की वजह से इंजन सही तरीके से दौड़ पाता था और हर बच्चा उसी में बैठना पसंद करने लगा था। एक बार रॉकेट शेड में गया हुआ था जब रख रखाव के लिए रॉकेट के पुर्जे निकाले जाने लगे तो बगल में इंजन पवन को शरारत सूझी। उसने उन पुर्जों को बहकाना शुरू कर दिया। वह हर पुर्जे से यह कहने लगा कि केवल उसी के कारण रॉकेट ठीक तरह से चल पाता है, इसलिए उसे ही राजा का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब हर पुर्जा यही सोचने लगा कि इंजन उसी की वजह से चलता है और वह सर्वश्रेष्ठ है। पटरी पर चलकर मैं ही तुम्हारा भार झेलता हूँ, ऊंचे नीचे रास्तों पर मैं ही चलता हूँ। आज से तुम सब मुझे राजा मान लो, वरना मैं तो नहीं चलूंगा। चक्के और बाकी हिस्सों के बीच मैं ही पीसती हूँ, सारे हिस्सों का भार तो मैं ही सहती हूँ। चक्का जो कूदता रहता है उससे तो मैं ही सबको बचाती हूँ, अतः मैं तुम सबसे श्रेष्ठ हूँ। अरे तुम सब तो यह भूल ही गए कि चक्के को घुमाने की शक्ति कहाँ से आती है। यह शक्ति तो मैं ही देती हूँ। यदि तुम मुझे सर्वश्रेष्ठ नहीं मानोगे तो मैं आज से चक्के घुमाना बंद कर दूंगी। यहाँ सबसे विशाल तो मैं ही हूँ और राजा भी मैं ही हूँ। अरे मोटर रानी, यदि मैं न होता तो तुम्हें घूमने की ऊर्जा कहाँ से मिलती। सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। इस तरह बात बढ़ती गई और थोड़ी देर में मारपीट भी शुरू हो गई। इतनी लड़ाई हुई कि सारे पुर्जे थक कर गिर गए। उधर पवन को रॉकेट की यह हालत देखकर बड़ा मजा आ रहा था। गाड़ी में इंजन लगने के समय सब गेंडाराम अंकल के पास पहुंचे। वे उनसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उन्हें प्यार से पुचकारा। पर आज तो रॉकेट चलने की हालत में था ही नहीं। जब सारे प्रयत्न करने के बावजूद अंकल सफल नहीं हुए तो वे सब शेड के अफसर अप्पू हाथी के पास पहुंचे। अप्पू हाथी एक समझदार अफसर था। जैसे ही उसने रॉकेट के पुर्जों को देखा उसे सारा माजरा समझ में आ गया। उसने एक एक पुर्जे को प्यार से सहलाया, उन्हें समझाया कि किस तरह हर पुर्जे का अलग अलग महत्व है और किस तरह किसी एक के बिना रॉकेट अधूरा है। सारे पुर्जों को यह बात समझ में आ गई कि सब मिलजुल कर ही रॉकेट को चला सकते हैं।